हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अभी हम जा रहे हैं आशिका की स्लीप ओवर का थोड़ा सा शॉपिंग करने, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी हैं और उसका स्लीप ओवर होने वाला है। तो इसके लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए उसके स्लीप ओवर के लिए। सो यहाँ हम निकल चुके हैं, अभी हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं हम आशिका की स्लीप ओवर की शॉपिंग करने। सो हम अब पहुंच गए हैं शॉप पे आशिका की शॉपिंग करने के लिए। सो मैंने उनको बोला मुझे नाइट सूट दिखाने के लिए, तो वो मुझे दिखा रहे थे यूनिकॉर्न वाला नाइट सूट और मुझे ये पसंद आ गया था। और मैं और भी नाइट सूट्स देख रही थी अलग अलग, उसमें से मुझे एक और पसंद आया था जो मैंने ले लिया था, ये वाला, और वो बहुत लाइट वेट था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। समर की हमारी शॉपिंग कंप्लीट, कुछ कुछ जो जो मुझे लेना था आशिका के लिए मैंने ले लिया। ओके, सो यू हैव टू स्टैंड हियर and you have to close your eyes. Now you can open your eyes and you can take it. So this is for you. What is this? Do you like it? And this is... आपको अच्छा लगा क्या? हाँ मामा। कौन सा वाला नाइट सूट आपको ज्यादा अच्छा लगा है? कौन सा वाला? यूनिकॉर्न वाला नहीं अच्छा लगा? यूनिकॉर्न वाला? हाँ यूनिकॉर्न वाला भी। कैसा लगा आपका सब सरप्राइज? अच्छा लगा। तो आप अपनी स्लीप ओवर के लिए एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूँ। कितनी एक्साइटेड हो? बहुत। बहुत ही एक्साइटेड हो? हाँ। तो आपको आपकी स्लीप ओवर की शॉपिंग अच्छी लगी? अच्छी लगी क्या? हाँ। तो फिर किशु मिशु तो नहीं मिला? तो यहाँ पे हम जा रहे थे आशिका की स्लीप ओवर की पैकिंग करने। करें तुम्हारी पैकिंग? चलो करें। तुम्हारे डिज्नी प्रिंसेस की करते हैं हम पैकिंग। पहले ये नहीं, ये सब हम पहले मेकअप में रखेंगे। पहले दे दो आपकी बेडशीट। वेरी से बेडशीट, ये तो पिल्लो है। ठीक है चलो पिल्लो रख देते हैं। नहीं पहले, हाँ चलो बेडशीट, ये आपकी बेडशीट है ठीक है, ये यहाँ पे रखती हूँ ठीक है। फिर रखते हैं आपका पिल्लो ठीक है। ब्लैंकेट, ऐसे ब्लैंकेट रखोगी? रुको, ब्लैंकेट को अच्छे से हम लोग को फोल्ड करना पड़ेगा ना। ब्लैंकेट को हम लोग अच्छे से फोल्ड करेंगे। आपका प्रिंसेस ब्लैंकेट है? हाँ। अरे इसमें अभी सामान थोड़ी रखा है हम लोग ने, पहले आपके कपड़े दो। रुक जाओ, बहुत ही भारी है भाई। बाबू ये है आपका एक्स्ट्रा आउटफिट ठीक है, अगर आपको कल नाइट सूट के बाद चेंज करने का मन करेगा तो चेंज कर लें। इसको मैं पिल्लो के नीचे रखती हूँ ठीक है, चलेगा। और ये है आपका यूनिकॉर्न नाइट सूट, आपका फेवरेट। ये हम लोग शॉपिंग करके लेके आए थे क्या? और ये आपका नैपकिन, जब आप ब्रश कर लेना ना स्लीप ओवर में मॉर्निंग में ठीक है, तो इससे नैपकिन से अपना मुंह वाइप कर लेना ठीक है। तो अब हम आपके मेकअप का सामान रखेंगे क्या? ये मेकअप का सामान आपके मेकअप पाउच में रखते हैं। वाओ यूनिकॉर्न पाउच, ये आपका मिरर नहीं, वो दो आपका आपका कोम दे दो, बारबी कोम है ये आपका, और ये आपका लिप बाम है, और ये है आपका पाउडर। मुझे पता है ये पाउडर तो आप पूरा फिनिश ही करके आने वाली हो। हाँ आंटी से लगा लेना, आंटी को बोल देना आंटी लगा देगी ठीक है। ये है आपका पूरा मेकअप का सामान, इसको इसमें रखेंगे। और इसमें रहेगा आपका सब ब्रश, आपका कोलगेट, आपका ब्रश, आपका टंग क्लीनर। नहीं ये तो वॉच तो आपको पहन के जाना है ना। और बाबू आपको शूज नहीं पहनना रहेगा, तो इसमें क्रॉक्स है ठीक है, क्रॉक्स ठीक है। तो आप अपना क्रॉक्स पहन निकाल के पहन लेना ठीक है बाबू। वॉच आपको पहन के जाना है बाबू। क्या प्लीज, वॉच उसमें कैसे रखोगी? ये देखो यहाँ पे रख रही हूँ मैं आपका क्रॉक्स ठीक है, यहाँ इसमें वॉच दो इधर।
अब वॉच का टेंशन मत लो, वॉच आपको पहन, इसमें आपका सब मेकअप सब का सामान है, ठीक है? वो बहुत चीजें आपको लग जाएगी, वेरी डेंजरस। अरे आपका परफ्यूम तो आपका नीचे ही रह गया। ओह नो, कोई बात नहीं, हम लोग ले आएंगे, ठीक है? आपका परफ्यूम ला के इसमें रखती हूँ मैं, ठीक है बेटा? और ये है आपका मेकअप का सामान, और ये है आपका, इसमें है हमारा ब्रश और पाउडर। नहीं, पाउडर और मेकअप इसमें है। ब्रश वगैरह आपका, टंग क्लीनर, ओके। और ये है आपका, इसका पकड़ के हग करके सो जाना, ठीक है? इसमें इसके नीचे रख के सो सकते हो। हाँ, सो सकते हो। और अगर आपको नहीं निकालना है तो बैग से मत निकालना, जो आपका मन करे वैसे करना, ठीक है बेटा? तो ये हो गई आपकी पैकिंग, आपका परफ्यूम लाके मुझे अभी रखना है, ठीक है? मुझे अभी याद दिलाना, ये साइड में कुछ भी नहीं रखा मैंने, ठीक है? तो गुच्चू की हो गई है पैकिंग, और आज है गुच्चू का स्लीप ओवर, और आशिका भी स्लीप ओवर में जाने वाली है। और अगर जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जब आशिका अभी जाएगी, रेडी होने जाएगी, तब हम आपसे। सीधे देखो, आशिका हो गई है रेडी। सो यू आर रेडी फॉर योर स्लीप ओवर? यस। यू टेक केयर, ओके? लेट्स गो। और हम निकल गए थे यहाँ से आशिका के स्कूल के लिए, जहाँ पे उसका स्लीप ओवर और स्लमर पार्टी था। स्लीप ओवर की खुशी सब बच्चों को बहुत होती है, वो स्कूल में स्टे करना होता है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और यहाँ सब बच्चों को देखना चाहिए, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतनी तैयारी से आते हैं, जैसे कि कहीं पिकनिक जा रहे हों, कहीं टूर पर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सब बच्चों को देख के। और यहाँ आशिका बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन लोग को ऐसे लगता है कि कुछ न्यू, और ये मुझे लगता है वो साल भर वेट करते हैं इस टाइम के लिए। तो भी यहाँ से मुझे उसको अंदर ड्रॉप करने का था, तो मैं चली गई उसको अंदर ड्रॉप करने के लिए। और मैं यहाँ उनकी मैम से पूछ रही थी कि आशिका को प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे अजीब लगता है उसको अकेले कहीं भी छोड़ने के लिए, क्योंकि हम कभी नहीं छोड़ते उसको, हम हमेशा साथ में ही रहते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्लीप ओवर का उन लोग ने एक वो सेल्फी वाला बनाया था। हम लोग अभी बाहर आ गए हैं गेट के, अभी हम लोग बाहर आ गए हैं गेट के आशिका को देखने के लिए, पर वो यहाँ से हम लोग को दिख नहीं सकती, सिर्फ हमारे मन को हम शांति दे रहे हैं, और वो वहाँ मस्त एंजॉय कर रही है। अभी हो गई है सुबह, और अभी हम जा रहे हैं आशिका को लेने के लिए स्लीप ओवर से। तो हम निकल गए आशिका को स्कूल से लेने के लिए, और सारे ही पेरेंट्स आ चुके थे। मुझे लगता है कि हमें रात भर नींद नहीं आई होगी, और फिर इनका चेहरा देखते ही दिल खुश हो गया, क्योंकि ये ठीक थे और इन्होंने बहुत ही फन किया, बहुत इन्जॉय किया। थैंक्स टू ऑल द टीचर जिन्होंने इनकी केयर ली, और उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि इतने बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग।